भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक और सबसे अच्छी बैंक में नाम आता है HDFC बैंक का। उसका डेबिट कार्ड आप जरूर यूज करते होंगे, लेकिन आप चाहते हो कि उस नॉर्मल डेबिट कार्ड को आप थोड़ा सा प्रीमियम डेबिट कार्ड में अपग्रेड कर लें, तो आपकी नेट बैंकिंग या मोबाइल एप्लीकेशन में भी ऑप्शन आए होंगे कि आप इस कार्ड को इसमें अपडेट कर सकते हो। तो उनमें सबसे पहले आपको नाम आया होगा EasySop प्लेटिनियम डेबिट कार्ड। तो इस डेबिट कार्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। स्क्रीन पर मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूं, ऐसा ये कार्ड दिखता है आपको। बहुत ही प्रीमियम डेबिट कार्ड है, वीजा और मास्टर कार्ड के साथ आता है। मास्टर कार्ड अभी RBI के द्वारा बैन किया गया है, तो केवल वीजा के साथ ही आएगा। अब बात करें इसके कुछ खास फीचर्स की, तो आपको डेली डोमेस्टिक ATM विड्रॉल की लिमिट मिल जाती है 1 लाख रुपए, और डेली डोमेस्टिक शॉपिंग लिमिट मिल जाती है 5 लाख रुपए की। बात करें कैशबैक पॉइंट की, तो आपको टेलीकॉम और यूटिलिटी पर हर 100 रुपए स्पेंड करने पे आपको 1 कैशबैक पॉइंट मिलता है। ध्यान रखिए 1 कैशबैक पॉइंट 1 रुपए के बराबर होता है। और 200 रुपए स्पेंड करोगे यदि आप ग्रोसरी, सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, एंटरटेनमेंट, तो इनमें आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, यानी 1 कैशबैक पॉइंट मिलेगा 200 रुपए स्पेंड करने पर। और हर महीने में आप अधिकतम कितना कैशबैक कमा सकते हो, 750 रुपए। ध्यान रखिए जो आपको मैंने ऊपर कैटेगरी बताई, इन कैटेगरी के अलावा आप कहीं भी कार्ड का उपयोग करते हो तो आपको कैशबैक पॉइंट नहीं मिलेंगे। ये खास तौर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अब बात करें एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की, तो आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस लाउंज एक्सेस मिल जाता है पर क्वार्टर, यानी 1 साल में हो गया 8 बार, तो 8 बार आप एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फायदा उठा सकते हो। अब बात करें इंश्योरेंस कवर की, तो डेथ कवर एयर हो, रोड हो या रेल हो, आपको 12 लाख रुपए मिल जाएंगे। यदि आप किसी फ्लाइट में जाते हो और वहां पे किसी की डेथ हो जाती है, तो यदि आपने वो टिकट उस डेबिट कार्ड से खरीदी है, तो आपको 3 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा। और ध्यान रखिए इसमें एक इंश्योरेंस मिलता है कि आपने घर पे कोई इस डेबिट कार्ड से सामान खरीदा और 6 महीने के अंदर उस पर आग लग गई या कुछ हो गया, तो उस पर आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल जाता है। लॉस ऑफ चेकेड बैगेज में भी आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिल जाता है, और इस पे आपको 0 लायबिलिटी भी दी जाती है, यानी आपको आपके डेबिट कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गया और उसकी आप कस्टमर केयर में शिकायत कर देते हो 30 दिन के अंदर, तो आपकी कोई भी गारंटी नहीं रहेगी, जो फ्रॉड हुआ उसकी पूरी गारंटी बैंक लेगा। अब बात करते हैं कौन कौन इस कार्ड के लिए एलिजिबल है। तो जिनके पास HDFC में सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सुपर सेवर अकाउंट है, यदि आपके पास कोई सैलरी अकाउंट है, तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो, आप इस डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं चार्जेस की, तो प्लेटिनियम डेबिट कार्ड ये एक बिजनेस यानी हाई वेरिएंट का कार्ड है, तो इस कार्ड को लेने के लिए आपको 750 रुपये प्लस GST देने होंगे। और यदि ये कार्ड गुम हो गया या आपको रीइश्यू कराना है, तो आपको 200 रुपये प्लस GST देने होंगे। और इस ATM का पिन जनरेट करने के लिए आपको 50 रुपये प्लस GST देने होंगे। तो EasySop प्लेटिनियम डेबिट कार्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, यदि चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।